ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमीरपुर के कलाकारों ने पहाड़ी एल्बम मेरा बांका हिमाचल में पूरे प्रदेश की झलक दिखाई है। पहाड़ी एल्बम के माध्यम से पहाड़ी संस्कृति को एक मंच प्रदान करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमीरपुर से संबंधित कलाकारों ने मेरा बांका हिमाचल में गायकी से लेकर अभिनय तक का काम किया है। हिमाचली संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमीरपुर के कलाकारों ने पहाड़ी एल्बम मेरा बांका हिमाचल में पूरे प्रदेश की झलक दिखाई है। पहाड़ी एल्बम के माध्यम से पहाड़ी संस्कृति को एक मंच प्रदान करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमीरपुर में संबंधित कलाकारों ने मेरा बांका हिमाचल में गायकी से लेकर अभिनय तक का काम किया है। एल्बम में गायक नरेश राणा, म्यूजिक डायरेक्टर परमजीत पम्मी, प्रोड्यूसर जी आर कौशल, डायरेक्टर जसवंत चौधरी, कलाकार महिमा ने अपनी भूमिका निभाई है। तो इसके साथ ही एल्बम की वीडियोग्राफी सुनील गौरी ने की है। पत्रकार वार्ता के दौरान कलाकारों ने मेरा बांका हिमाचल एल्बम के लिए लोगों से प्यार मिलने की उम्मीद भी जताई। एल्बम की शूटिंग पालमपुर कांगड़ा के अलावा हमीरपुर में की गई है और एल्बम में हिमाचल की संस्कृति के साथ बढ़िया जगहों पर जाकर शूटिंग भी की गई है। इसका जो मेन मोटिव है कि हमारी जो हिमाचल के नेक्स्ट जनरेशन है वो हिमाचली बोलना पसंद नहीं करती है या हिमाचली कल्चर को पसंद धीरे धीरे वेस्टर्नाइज हो रही है। तो ये मेन मोटिव ही था कि हम हिमाचली में जाएं, हिमाचल की संस्कृति को दर्शाएं। इससे पहले भी हमारा कुर्बानियाँ करके एक बहुत अच्छा देश के वीर जवानों के लिए एक गीत आया था 26 जनवरी 2019 को उसका रिलीज हुआ था। यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने उसको देखा, तकरीबन 4 लाख लगभग लोगों ने उसको देखा सारा। और मैं चाहूँगा कि आगे भी जो हमारा मेरा बांका हिमाचल गीत आ रहा है उसको भी हिमाचल के लोग प्यार दें, मोहब्बत करें। पम्मी जी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बिलासपुर से उन्होंने लिया है। बाकी इस गीत की जो शूटिंग हुई है वो मंडी रीजन बरोट में हुई है, बरोट वैली में इस गीत की शूटिंग हुई है। पालमपुर कांगड़ा की हसीन वादियों में इस गीत को शूट किया गया है। और इस गीत में हमने कोशिश करी है कि हिमाचल की आबो हवा, हिमाचल के बारे में, हिमाचल के लोगों के बारे में, हिमाचल के जो कस्टम्स हैं, जो संस्कृति है, उसके बारे में हमने इस चीज को इस वीडियो में दिखाया है। ची उची रिड़िया पहाड़ा ते बैंदा पानी, ए उची उची रिड़िया पहाड़ा ते बैंदा पानी, ए यो है मेरे हिमाचल दी निशानी। बड़ा सोना बड़ा बांका मेरा बांका हिमाचल, बड़ा सोना बड़ा प्यारा मेरा बांका हिमाचल, ए उच्ची उच्ची रिड़िया। धन्यवाद, थैंक यू। लॉन्चिंग है अगले 1-1.5 महीने में आने वाला है, रोमांटिक सॉन्ग है और इस तरह से है। मन्नता मंगिया जनता मंगिया तेरे लिए हानिया, मन्नता मंगिया जनता मंगिया तेरे लिए हानिया, मैं मंगिया नहीं सुख अपना, मंगिया नहीं हाँ सुख अपना तेरे लई हानिया, मन्नता मंगिया जनता मंगिया तेरे लई हानिया। तो ये पहाड़ी गायक जसवंत चौधरी ने बताया कि एल्बम में हिमाचल के लोगों के रहन सहन के साथ साथ देवी देवताओं का जिक्र भी किया गया है। उन्होंने बताया कि मेरा बांका हिमाचल को भी लोग काफी पसंद करेंगे क्योंकि इस एल्बम में हिमाचल की हसीन जगहों का दृश्य दिखाया गया है।
शिक्षा को नमस्कार है। इस गीत में हिमाचल में जो हमारी संस्कृति है, जो हम लोग रोज़मर्रा अपना काम करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और जो हमारी देवभूमि है हिमाचल खास करके, तो उन देवी देवताओं का भी जिक्र किया हुआ है, उन वीरों का भी जिक्र किया हुआ है जो वीर जवान हमारे हिमाचल के उस सरहद पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे देश को लड़ने के सुरक्षित रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस गीत को ने गाया है और बड़े अच्छे अंदाज में गाया है, बड़ी सुरीली आवाज़ है ये। इससे पहले भी इनके काफ़ी भजन और एक देशभक्ति गीत आया था कुर्बानी करके, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, आपका बहुत प्यार मिला है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो गीत मेरा बांका हिमाचल करके अभी लॉन्च होने वाला है, ये लॉन्च होने जा रहा है, इसको भी आप इसी तरह से प्यार देंगे, मैं यही कहना चाहूँगा। हमें कैमरा मैन बाहर से हायर करना पड़ता था, क्या किसी के पास कैमरा हुआ करता था मगर वो कैमरा मैन नहीं हुआ करता था। पर इस गीत में हमें आप ही के जाने पहचाने गौरीशंकर जी ने कैमरे पे काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा करेंगे ये, और अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये खुशी है कि हमारे यहाँ भी बहुत होनहार कैमरा मैन भी है, तो मैं चाहूँगा कि इनका भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा पकड़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कलाकार महिमा का कहना है कि एल्बम में पुरानी संस्कृति को दर्शाया गया है और हिमाचल की जगहों में भी शूटिंग की गई है। उन्होंने बताया कि आज के समय में हर कोई पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस एल्बम में काम करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद जताई कि एल्बम लोगों को पसंद आएगी। लेकिन मुझे पता लगा कि कैमरे के आगे शूटिंग करना क्या होता है, अरे इन लोगों से बहुत कुछ सीखा। और बांका हिमाचल में जो पुरानी संस्कृति है जिसका अब जिक्र नहीं है वो दर्शाया गया है, ताकि जो आने वाला युवा है उसको भी पता हो कि हिमाचल में पहले क्या क्या होता था, क्योंकि अब हम सभी वेस्टर्न की तरफ जो है वो आकर्षित हो रहे हैं और पुरानी संस्कृति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। बल्कि मुझे भी कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं था जो मैंने शूटिंग में सीखा कि क्या है क्या नहीं है। तो मुझे इन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, अगर आगे भी मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं वेट करूँगी। Thank you.